बतौर एक्टर इन्हें कोई पहचान की अब जरूरत नहीं है, और अगर प्रोड्यूसर के तौर पे इनकी बात की जाए तो इनकी फिल्मों के नाम ही काफी हैं, चाहे बात विकी डोनर की हो, मद्रास कैफे और अब परमाणु। जॉन, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं जो, और ये रियलिस्टिक इतना सिनेमा, ये इसके पीछे कोई खास वजह? मुझे नॉन फॉर्मूला फिल्म्स पसंद है और अलग स्टोरीज बताना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वैसे करता हूँ। तो परमाणु इतना, मतलब अगर इस कहानी के बारे में बात करें तो परमाणु के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जी, पहले लोगों को ये भी पता नहीं कि परमाणु का मतलब क्या है, सो एडुकेट करना चाहता हूँ लोगों को, जैसे मैं एडुकेट हुआ था उस टाइम पे, कि परमाणु मीन्स एटम, परमाणु परीक्षण मीन्स न्यूक्लियर टेस्ट। तो मेरे लिए आई थिंक इंडिपेंडेंस के बाद अगर एक डिफाइनिंग मोमेंट था हमारे हिस्ट्री में, वो 1998 में था। पहले 74 में हालांकि था ही, लेकिन 1998 में द पोखरण टू टेस्ट वर द बिगेस्ट डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ इंडिया, और इसके बारे में किसी ने कहा ही नहीं और किसी ने उसकी जिक्र ही नहीं की, एंड इट नेवर केम ऑन अ फीचर फिल्म फॉर्मेट, इसलिए हमने सोचा कि इसको बनाए हम लोग। तो इस तरह का जो सिनेमा है, ये जो इस तरह की कहानी है, बहुत रिसर्च चाहिए, आप रियलिस्टिक जो चीज़ें उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, दिक्कत अगर प्रेशर होता है, काफ़ी प्रेशर होता है पुनीत, लेकिन उस प्रेशर के साथ एक क्रेडिबिलिटी भी आता है कि यू नो दैट एटलीस्ट योर फिल्म इज क्रेडिबल, कि जो आप कहानी बोल रहे हो वो एक सच्ची कहानी है, आप ऑनेस्टी से बोल रहे हो उसको। और जहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी, इसलिए हमने वो सिर्फ चेंज ऑफ नेम ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो कलाम साहब या चिदम्बरम साहब उनके नाम हम नहीं रख सके, तो वी चेंज ऑल द कैरेक्टर्स नेम्स, लेकिन जो प्लॉट पॉइंट है वो 80% एक्यूरेट है, जो 20% फिक्शनल है वो मेरा कैरेक्टर है, बाकी के सारी कैरेक्टर्स सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल है। नो, द कैरेक्टर्स आर रियल, द नेम्स हैव बीन चेंज्ड फॉर ऑल पर्पसेस। अंबालिका'स कैरेक्टर्स आल्सो फिक्शनल। अंबालिका'स कैरेक्टर्स आल्सो रियल, इट्स एन अमलगमेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स पुट इनटू वन। हां, तो जब आपके पास कैरेक्टर आया, कि ये कहानी आई आपके पास, तो कोई थॉट था? सुना था परमाणु के बारे में पहले, न्यूक्लियर सुना था, लेकिन सिर्फ सुना था कि 98 में इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया, उसके अलावा और कुछ नहीं सुना। आई डिडंट नो द डिटेल्स, आई डिड नॉट नो हाउ इट हैपेंड, मिशन कैसे हुआ, क्या हुआ था, और दैट वी हैड टू डू इट व्हेन द CIA वाज नॉट वॉचिंग। तो आई फील लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई ऑल्सो लर्नड ओनली आफ्टर आई गॉट ऑनटू द फिल्म, एंड मुझे परमाणु का मतलब नहीं जानती थी, नहीं पता था, किसी को पता नहीं था। आई डोंट ब्लेम एनीबडी, बिकॉज़ द न्यू जनरेशन, शी बिलोंग्स टू द न्यू जनरेशन, जो ज्यादातर इनको, आपको पता था परमाणु का मतलब? आई न्यू बिकॉज़ आई एम, डोंट लाइ, हमने एक पोल लिया था उस वक्त और सिर्फ अभिषेक को पता था, बिकॉज़ ही स्पीक्स हिंदी रियली वेल एंड ही नोज लाइक रियल शुद्ध। But like I knew Parmanu because of that Parmanu bomb. No, you didn't. You said at that time that you didn't know. No, at that time I knew, but okay. Not, I didn't know the details of it. कैसे हुआ था? कैसे हुआ था वो मुझे पता नहीं था। इतना ही पता था कि 6 bombs थे, जिसमें से 5 को उन्होंने detonate किए, बस वही पता था। और American satellites के बारे में पता था, और परमाणु नाम 98 में हुआ था, May 11th को, उतना ही पता था। उसके आगे कैसे हुआ details वो कुछ पता नहीं था। And I think we all discovered things along the way as the film was like, wow, ऐसे हुआ था, और शायद हमारी audience भी वैसे ही discover करेगी सब कुछ। मैं school में थी, actually 98 when that test happened, I only heard that India became a nuclear power, and then after that all the sanctions that happened, that became big news, but I did not know anything else about it. तो मुझे भी लगा कि ये कहानी बहुत special है, और लोगों को के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड वन दैट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो इट्स समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो। तो आपका जो किरदार है वो भी रियलिस्टिक किरदार है कि वो फिक्शन? इनका किरदार एक्चुअली, नाम जो है वो फिक्शनल है, अंबालिका, बट हर कैरेक्टर्स मिक्स ऑफ 2 or 3 कैरेक्टर्स, जो अभिषेक शर्मा, उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था इस पर। एक फीमेल कैरेक्टर थी उस टाइम पे और एक मेल कैरेक्टर, दोनों को मिला के इन्होंने अमेलगमेशन में एक कैरेक्टर क्रिएट किया, एंड वी वांटेड टू कीप इट एज अ फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि सब लोग मर्द थे, एंड आई थिंक वी वांटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टू बी प्लेड बाय अ फीमेल एक्टर। और उस टाइम पे अभिषेक से मैंने पूछा कि हु डू यू वॉन्ट,
एंड ही हैड ओनली वन नेम. ही सेइंग ही सेड डायना पेंटी बिकॉज शी लुक्स एथलेटिक, शी इज गॉट ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, कोई बैगेज नहीं है, बहुत ही नेचुरल है, एफर्टलेसली ब्यूटिफुल है, ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती है. सो द एवरीथिंग ऑल द टिक बॉक्सेज में डायना के नाम थे. सो इट वॉज जस्ट अबाउट रीचिंग आउट टू हर एंड आस्किंग हर टू डू इट. पहले काफ़ी मुश्किल हुआ क्योंकि इनके जो मैनेजर है अपॉइंटमेंट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन बाद में वहाँ खड़ी है इसलिए उनको मैंने सिगरेट का पैकेट दिया. उसके बाद थोड़ा और मतलब इट्स वेरी काइंड ऑफ हर टू डू इट. एंड आई थिंक क्योंकि ये कमर्शियल एक्ट्रेस है और एक कमर्शियल एक्ट्रेस यूजली कमर्शियल चॉइसेस चूज करती है. मेरे लिए ये फिल्म बहुत ही कमर्शियल है क्योंकि कंटेंट को कॉमर्स के साथ हमने मैरी किया है. लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स फॉर हर टू से हाँ मुझे ये भी करना है. एंड आई थिंक होपफुली शील बी जस्टिफाइड और ये बहुत खुश हो जाएगी जब भी वो फाइनल प्रोडक्ट देखे. मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ एक्चुअली, वेरी हैप्पी दैट आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट और टेल दिस स्टोरी टू पीपल. सो थैंक यू जॉन. अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो जो भी प्रोड्यूस किया आपने फिल्में, चाहे विकी डोनर की बात हो, आपने इंटरव्यू में उस वक्त में भी कहा था कि कास्टिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. बहुत इम्पोर्टेंट. तो आयुष्मान की जगह आप भी हो सकते थे. मुझे पहले वही कंसिडरेशन था उस टाइम पे और मुझे अभी भी याद है हमने मेरे ऑफिस में सुचित सरकार और मैंने आयुष्मान को वहाँ पर बुलाया और आयुष्मान से हम लोग दोनों मिले एंड वी बोथ सेड दिस इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ द फिल्म बिकॉज ही इज स्वीट, ही इज़ इनोसेंट, दिल्ली का लड़का, यू नो ही फिटेड ऑल द दिस. तो आई थिंक ही वॉज अ परफेक्ट चॉइस. तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि प्रोडक्शन का जब ये सवाल उठता है आई थिंक यू मस्ट मेक इट शुड बी अबाउट द कॉन्टेंट. कॉन्टेंट के बाद कास्टिंग. हर एक फिल्म में यू कैन नॉट ओनली कास्ट जॉन एब्राहम, यू हैव टू लुक एट एवरीबडी. तो अगर एक फिल्म में वरुण धवन, एक फिल्म में अगर डायना, एक फिल्म में सोनाक्षी, एक फिल्म में कोई भी इसको जिसको सूट करे, वी विल गो टू दैट पर्सन. तो इस फिल्म की कास्टिंग में कितना इन्वॉल्व रहे परमाणु में? परमाणु में काफ़ी इन्वॉल्व था मैं, एक्सेप्ट इन डायनास कास्टिंग क्योंकि वो मेरे डायरेक्टर करना चाहते थे. बाकी के कास्टिंग में मैं श्रुति महाजन को क्रेडिट देना चाहता हूँ जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है. शी कास्ट फॉर दिस फिल्म वेरी वेरी वेल. तो हमारे यू नो द अदर कैरेक्टर्स आर ऑल फैंटास्टिक. अब देखोगे तो चौंक जाओगे बिकॉज इज सो वेल कास्ट. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कास्टिंग. तो फिल्म में जो आपका किरदार है वो असल जिंदगी की वो मैंने खुद की कास्टिंग की. नहीं, सो माय कैरेक्टर इज़ द ओनली फिक्शनल कैरेक्टर. मेरा कैरेक्टर का नाम अश्वत रैना है और काफ़ी वर्कशॉप्स की हमने अभिषेक के साथ काफ़ी मीटिंग्स भी हुई. वी सैट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अश्वत का बैक स्टोरी क्या है एंड जो फिल्म में इस्तेमाल नहीं होता लेकिन एक थॉट प्रोसेस बन जाता है. और फिर काफ़ी अपने आप को मुझे डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ा इवन फिजिकली क्योंकि यू कांट हैव अ बॉडी, यू कांट, क्योंकि वो एक जूनियर ब्यूरोक्रेट है सो यू कांट हैव दैट काइंड ऑफ साइज एंड बॉडी. तो काफ़ी कुछ मेहनत की हम लोगों ने एंड आई थिंक इट शोज इन द फिल्म. ये देश को लेकर अगर कोई सब्जेक्ट की बात करें, कोई अवेयरनेस को लेकर बात करें, ये मतलब ये आता है अंदर से ही क्या, मतलब ये पुश किक क्या मिलती है? नहीं, मुझे तो सी पर्सनली मैं एक बहुत ओवर ज़्यादा पेट्रियट आदमी हूँ पर्सनली. बट अगर फिल्म की बात करें तो आई वॉन्टेड टू मेक एन एंगेजिंग थ्रिलर. मेरा ये मकसद नहीं था कि झंडे के सामने सल्यूट करे या ओवर जिंगोइस्टिक फिल्म जो है ना वो बनाए, वो मेरा मकसद नहीं था. अभिषेक और मैं दोनों क्लियर थे वी वॉन्ट टू मेक अ थ्रिलर. एंड इफ यू सी द होल सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म यू आर सिटिंग ऑन द एज कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. बाय द एंड ऑफ इट यू वॉक आउट एंड यू से यार इंडिया में ऐसे हुआ था, हमें पता भी नहीं था. आई एम प्राउड टू फील लाइक एन इंडियन. तो वो पेट्रियाटिक की जो फीलिंग है इज़ अ बाई प्रोडक्ट. फिल्म को हमने एंगेजिंग बनाया, इट्स एन एंगेजिंग फिल्म, इट्स अ कमर्शियल फिल्म, इट्स अ फन फिल्म टू वॉच. तो जो रियलिटी थी वो रहेगी फिल्म में कंप्लीट. आप देखिए फिल्म को, एंड क्रेडिट्स देखिए, आपको पता चलेगा व्हाट वी हैव केप्ट एंड व्हाट वी हैव नॉट. उस वक्त अगर बात करें उस जो वो पूरा प्रोसेस था, APJ अब्दुल कलाम बहुत इंपॉर्टेंट थे उसकी कड़ी, उनका कितना मतलब वो जो नहीं, जैसे मैंने कहा वी कैन नॉट यूज एनीबडी इज रियल नेम. नाम यूज नहीं, तो नाम्स हमने चेंज किए लेकिन एजेंसीज जो थे जैसे BARC, DRDO, ISRO,
इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी एजेंसीज को हमने वही रखा, नाम्स चेंज कर दिया कम्प्लीटली, लेकिन इस फिल्म को हमने एपीजे कलाम साहब को डेडिकेट किया है बिकॉज ही इज़ द मोस्ट लव्ड इंडियन एंड ही इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबल एंड द अदर पर्सन वाज़ अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनको डेडिकेट किया अपनी फिल्म। तो कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ का मेकिंग के वक्त में कहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी भी है और वो भी है, तो नहीं कहीं जब भी मैंने मद्रास कैफे बनाई थी तभी लोगों ने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए मैंने फिल्म बनाई है, तो ये सवाल आता ऐसे। तो मैं ए पॉलिटिकल हूँ मैं बोलता हूँ हमेशा, लेकिन क्योंकि मेरे कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस है नहीं, लेकिन मैं बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर हूँ और जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ मैं कोई पार्टी के लिए या किसी पार्टी के लिए फिल्म्स नहीं बनाता। सवाल आ जाते होंगे 100%, कोई कहेगा कि ये बीजेपी की फिल्म है या कोई कहेगा कि ये उसने ऐसी फिल्म बनाई है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज उस टाइम पे वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कदम उठाया एंड वी मस्ट गिव हिम क्रेडिट फॉर इट। उस टाइम पे कलाम साहब मेन थे वहाँ पे, वी मस्ट गिव हिम क्रेडिट फॉर इट। तो कोई इट्स अ वेरी आई थिंक इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक फिल्म, एक हिंदू है एक मुसलमान है सब है फिल्म के अंदर, एक पारसी है तो एक पारसी है आधा आधा एंड बमन एंड बमन, तो ये फिल्म में ज्यादातर पारसी लोग ही है। आई थिंक हाफ द पारसी पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज इन दिस फिल्म। तो जॉन ये तो बात हो गई फिल्म की, लेकिन अगर आपकी वैसे लोगों से मिलने जुलने के बारे में बात करें, अभी आप हाल ही में कानपुर भी गए थे, छोटे शहरों में जो फैन फॉलोइंग है आप मतलब वहाँ पर भी देखा गया, यहाँ पर भी बॉम्बे में भी जो आपके ऑफिस में इंटरव्यूज के दौरान देखा जाता है, वो फैंस जब मिलना चाहते हैं अमूमन देखा नहीं जाता है कि फैंस के साथ इतने इंटरेक्ट करता है कोई, तो वो कहाँ से जब जॉन क्यों हमेशा आप नहीं? अच्छा लगता है मुझे बिकॉज आई थिंक आई लाइक टचिंग एंड कनेक्टिंग विद द पीपल, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग दूर से आते हैं एक्टर्स को देखने के लिए। लड़कियों के साथ अलग होता है क्योंकि सेफ्टी के बारे में काफ़ी कुछ एंड आई थिंक टोटली दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन हमारे साथ कौन हमें हार्म कर सकता है, हमें बॉडीगार्ड्स की क्या ज़रूरत है, सो वी हैव सम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक आई लाइक मीटिंग देम। मैं जाता हूँ हर जगह पर, मैं सबसे मिलता हूँ, कोई ना कोई स्क्रैच करता है यहाँ वहाँ लेकिन वो थोड़ा लगता है, लेकिन एक दो को मैं समझा देता हूँ साइड में। हाँ क्योंकि इलेक्शन जब वोटिंग के वक्त भी आपको देखते हैं कि लोग वोट डालने आते हैं, आप वहाँ पर मैं हमेशा सबको सी ऑफ करना, आप जितने भी एज्ड लोग होते हैं आप उनको ऑटो में बिठाना, उनको घर के लिए भेजना, तो वो बहुत अलग करती है, तो ये आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट ना, कुछ तो मिलता होगा वो अंदर से आना चाहिए, क्योंकि आप यंगस्टर्स को बता रहे हो कि यू मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दिन शी इज ऑल्सो गोइंग टू गो ओल्ड, देन यू नो someone has to make her also sit in a rickshaw one day. You know, your time will come before mine, right? Okay, my time will come before hers. No, so I think youngsters ko ye batana bahut zaruri hai ki respect old people, respect animals. Ye choti choti cheeze hai jo bahut important hote hain. And I think as actors, we are not models. We should be role models. To hamare lifestyle se, hamare taur tarike se, hum audience tak ye message pahunchana chahte hain. And I think most actors are very responsible people. Most actors. अच्छा एक अब दौर चल रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, पोस्ट आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ट्रॉलिंग होती है, तो क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग सुनते हैं, तो आप ये सब चीज़ें देखते तो होंगे कि लोग कैसे रिएक्शंस देते हैं। हाँ मैं ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता हूँ जितना मुझे करना चाहिए, लेकिन ट्रोलिंग के बारे में आई थिंक सी लाइक दिस ऑन सोशल मीडिया आपका कोई चेहरा नहीं होता, आपका नाम नहीं होता, आप कोई भी नाम के साथ कुछ भी कर सकते हो, तो आपका हौसला बढ़ जाता है, आप बोलते हो, और ज़्यादातर आई थिंक इट्स द मेल पॉपुलेशन दैट डज दिस मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन, तो आई थिंक द टेबल्स हैव टर्न्ड यार, बिकॉज़ दे हैव नथिंग बेटर टू डू। एब्सोल्युटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद डायना, तो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, अच्छी चीज़ों के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन हम काफ़ी उसको मिसयूज़ भी करते हैं। बट आई ऑलवेज एज अ इंडिविजुअल मैं देखता हूँ कि हर चीज़ का आपको पॉजिटिव देखना चाहिए, इन चीज़ों को हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए, जैसे सोशल बेनिफिट्स के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया दैट यू विल नॉट बी एबल टू अदरवाइज। काफ़ी ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो सोशल मीडिया सेंसेशंस होते हैं, जिनका कुछ कलेक्शन नहीं होता है बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन बदले सोशल मीडिया क्या नाचते हैं, सिंपली कपड़े मतलब पहनते, तो उनका भी एक मार्केट होता है। Your manager is making faces because she feels like you're putting your foot in your mouth again.
चलिए फिर से आते हैं फिल्म पर. परमाणु इस बार अपने किरदार के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कितना अलग होगा, क्या कहेंगे व्यूअर्स को, क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. मैं बहुत खुश हूँ और मेरे डायरेक्टर ने मुझे एक 8 out of 10 दिया है. उसने ही सेड जॉन यू आर फैंटास्टिक. इनफैक्ट ही स्पोक अबाउट एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के बारे में, डायना के कैरेक्टर के बारे में, टिकू जी जो हमारे दूसरे कैरेक्टर है, नीरजा में सोनम के डैड का जो रोल प्ले किया था उन्होंने, विकास, फिर अजय सुब्रमण्यम उनके कैरेक्टर के बारे में, आदित्य हितकारी, जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर, अमेरिकन के जो दो कैरेक्टर्स हैं, एक और कैरेक्टर है, एवरीबडी इज़ अ फैंटास्टिक रोल, फैंटास्टिक जॉब इन देयर रोल. सो आई थिंक ईच वन इज़ वेल रिसर्च. हमने काफ़ी काम किया है. वर्कशॉप्स के लिए हम लोग गए थे सेंट एंड्रूज, सो वी वेंट फॉर वर्कशॉप्स देयर. हम लोग ने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, हम लोग बैठ के वर्कशॉप्स कर रहे थे, डायना चर्च जाके आई, उसके बाद वर्कशॉप्स किया हमने. But we did it. We worked hard. You're so random. Anyway. आखिरी सवाल, जॉन की पहली फिल्म और अब ये परमाणु, कितना एक बड़ा बदलाव अपने में खुद? I think huge growth as an actor. Even though मेरी जो पहली फिल्म थी जिस्म, भट्ट साहब ने जिस्म देखने के बाद एक चीज कही, he said John is superb in the movie, JISM. So and I really appreciated that comment. And he said, son, I don't know how long you'll, or what people will say, but for me, you're going to be here for a long time. And then, main Bhatt saab ka bahut shukrguzaar hoon, and I think I owe my career to Mahesh Bhatt. Today, I think I'm matured as an actor. I enjoy my roles. Kaam ke bina mujhe dar lagta hai. I work on Sundays also. मुझे हर दिन काम करना अच्छा लगता है. तो जब ही मैंने डायना से पूछा कि इस फिल्म के बाद आप क्या करोगी, उन्होंने कहा कि मैं लंदन जा रही हूँ हॉलीडे के लिए, मुझे डर लगा कि अब हॉलीडे, यू शुड बी वर्किंग, व्हाट हॉलीडे यू गोइंग. थैंक्स. चलिए लास्ट में रैप अप करते हैं. आप लोग कुछ कहना चाहें? डायना, फिल्म रिलीज हो रही है, परमाणु रिलीज हो रही है 25 मई को, तो प्लीज़ जाइए देखिए. उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए. व्हाई डू डू इट? नो, आई लर्न फ्रॉम यू. नो, कम. नहीं, आई विल ओनली टेल द ऑडियंस कि एज क्लीशे एज इट मे साउंड, ये बहुत ही अलग फिल्म है और इसका ग्रामर बहुत अलग है. ये नॉन फॉर्मूला फिल्म है लेकिन कमर्शियल फिल्म है, और every Indian must watch this film, kyunki it will make every Indian proud in the true sense of the word. Jaise mera jo mujhe jo serve karta hai chai, usne ye film edit room mein dekhi aur bahar aane ke baad uske aankh mein aansu the, unhone kaha ki ye India pe best film hai. Ye reaction chahiye hame audience se, and I think that's very important. Thank you very much.